हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ एचपी सर, मैं आपका अकाउंट का टीचर। बच्चों, आज हम डेप्रिसिएशन का प्रोविजन सीखेंगे, जिसमें हमें फिक्स अकाउंट के लीजर प्रिपेयर करना होते हैं। तो आज उसमें हम डेप्रिसिएशन का प्रोविजन सीखेंगे, वो हमारा रहेगा बाय डिमिनिशिंग मेथड, यानी कि इसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है, जिसके अकॉर्डिंग टू हम क्या तैयार करना है, हमें एक प्लान का लीजर तैयार करना है, यानी फिक्स एसेट का, जिसमें प्रोविजन फॉर क्या होना चाहिए, डेप्रिसिएशन होना चाहिए बाय डिमिनिशिंग मेथड के अकॉर्डिंग। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। माय सपोज इट, मान लीजिए कि बच्चों अपन ने एक प्लान परचेज किया है 2000। क्लियर रहेगी हमारी 2000। अब प्लान परचेज किया तो हमारी एंट्री क्या हुई, प्लांट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट। हम प्लांट का लीजर बना रहे हैं तो प्लांट हमारा क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। और सपोज दैट अमाउंट है वो 10,000, तो हमने कितने से डेबिट किया है प्लांट को, 10,000 से डेबिट किया है। और सपोज ये हमने परचेज किया था जनवरी 1st, तो हमारे यहाँ पर उसका रीजन क्या आ गया, हमने कैसे परचेज किया था बच्चों, इसको कैश, इन केस इसमें कैश में किया था, कैश में। तो हमारी क्लियर होगी एंट्री हमारी, उसके हिसाब से हमारा प्लांट अकाउंट डेबिट हो गया 10,000 का। रीजन क्या था उसका, कैश के कारण, और किस तारीख को हमने बचत किया था। अब आप पे इसको प्रोविजन करना है डेप्रिसिएशन का। अपन ने मान लिया कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10% पर एनम चार्ज डेप्रिसिएशन बाय डिमिनिशिंग मेथड, यानी कि आप पे उस पे 10% राशि आप लगाना है कि ऊपर या लगाना है। हम इसे मान लीजिए कि 3 साल या 2 साल के लिए इसका प्रोविजन उसमें लगाएंगे। तो अगर आपको मैंने बताया था इसमें फॉर्मूला क्या होता है डेप्रिसिएशन का, आपको ये बताया था कि डिमिनिशिंग मेथड में डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर हमेशा उसके कॉस्ट प्राइस में कैलकुलेट किया जाता है। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है बच्चों, उसका 10,000 इनटू कितना रेट लगाना था, 10%। अब कितने मंथ का लगेगा, 12 बाय 12। क्यों, कब परचेस किए बच्चों हमने इसको, जनवरी में परचेस किए हैं, और हम उसे कहां तक डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 31 दिसंबर तक, यानी यहां से यहां तक कितने मंथ आपने यूज कर लिया उसको बच्चों, आपने उसको 12 मंथ तक यूज कर लिया है, तो कितना आया उसका डेप्रिसिएशन निकल के, फाइन होके आया हमारा 1000। अब इसकी भी एंट्री बनाइए, तो एंट्री क्या होती है इसकी, डेप्रिसिएशन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट, यानी कि अब प्लांट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो प्लांट कितने से क्रेडिट हो रहा है, 1000 से क्रेडिट हो रहा है, हमने 1000 का लिख दिया। इसके रीजन क्या था उसका, बाय डेप्रिसिएशन के कारण क्रेडिट किया, हमारी एंट्री क्लोज हो गई, यानी कि हमने साल की अंतिम तारीख तक अकाउंट क्लोज कर लिया। इसकी सेकंड एंट्री भी और क्या होती है कि डेप्रिसिएशन क्लोज किया जाएगा तो कहां जाएगा, पीएनएल अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो वो हमारी एंट्री तो उसको इफेक्ट कर ही नहीं है, हम कौन सा अकाउंट पे कर रहे हैं, प्लांट का अकाउंट, यानी फिक्स एसेट का, किसके रीजन के प्रोविजन के साथ में, डेप्रिसिएशन के प्रोविजन के साथ में कर रहे हैं। तो हमारी इसकी एंट्री हमारी यहीं पर क्लोज हो जाएगी प्लांट की। तो हम इसका बैलेंस ही कर लेंगे, तो बच्चों बैलेंस ही करते हैं, देखिए कितना आता है, 10,000 आ गया। इसी डेट को हमारा बैलेंस कैरी डाउन हमारा 9,000। अब बच्चों हम कौन सी ईयर में आ रहे हैं, हम 2001 में पहुंच आए, कहां पहुंच गए, 2001। बैलेंस ही हमेशा किसका है, आपको मालूम है कि डेबिट का बैलेंस तो कहां आना चाहिए, डेबिट बैलेंस कितना आना चाहिए हमारा 9,000। और कब आएगा वो, हम किसी भी नए साल में प्रवेश करते हैं तो हमारी अकाउंटिंग इसकी क्या है स्टार्टिंग, जनवरी 1st, और क्लोजिंग क्या है इसकी 31st। तो जनवरी 1st को आ गए, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चे, यहां पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,000। हम किस मेथड से इसको यूज कर रहे हैं बच्चों, इसको हम किस मेथड से यूज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन यहाँ पर कैलकुलेट जो किया जा रहा है वो डिमिनिशिंग मेथड से कर रहे हैं,
यानी प्रोविजन जो करना है डेप्रिसिएशन पे वो किससे करना है। अब हम कौन सा मैंने कहा था इसको कौन सी वैल्यू बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू कहा जाता है। यानी 9000 जो वैल्यू है वो हमारे प्लांट की वो क्या है हिरासत मूल, यानी कि ये वो मूल है जिसमें से हिरास घट चुका है, ये वो मूल है जिसमें से हिरास नहीं घटा था, इसलिए इसे कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट ईयर में आ गए, हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो हम डिमिनिशिंग मेथड में जब भी डेप्रिसिएशन का प्रोविजन करते हैं तो जिस साल भी करते हैं उस साल उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू पे लेते हैं, फर्स्ट ईयर कॉस्ट प्राइस पे और नेक्स्ट ईयर किसपे डाउन वैल्यू पे। तो रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है बच्चों 9000 है, कितना लेंगे हम 10%, यहां भी कितने मंथ यूज कर रहे हैं पूरे 12 मंथ यूज कर रहे हैं, तो हमारा कितना निकल के आएगा, ये निकल के आया हमारा 900। यहां पे इसकी एंट्री क्या बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू प्लांट अकाउंट। प्लांट अकाउंट हमें क्या करना है क्रेडिट करना है, तो हमने प्लांट अकाउंट के लिए 900 से किस डेट को एंड ऑफ द ईयर क्या है 31 दिसंबर बाय रीजन क्या आ जाएगा हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट आ जाएगा, बाय रीजन क्या आ गया हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट आ गया। क्लियर हुआ बच्चों? अब हम टोटल लगाएंगे यहां पर, इनका बैलेंसिंग करेंगे, तो बैलेंसिंग किया तो 9000 बैलेंस आ गया 8100, इसी डेट को बाय बैलेंस सी 8100। क्लियर हुआ बच्चों? यहां पे समझ में आ गया। अब हम कहां पहुंच गए 2000, हम 3 साल तक का हम कैलकुलेट कर लेते हैं 2002 कहां पहुंचेंगे हम, बैलेंस कितना लेके आएंगे अब डेबिट का बैलेंस, इसलिए बैलेंस आया इधर है हमारा लेकिन है किसका ये बैलेंस डेबिट का, यहां डेबिट में आ जाएगा। किस डेट को आएगा बच्चों यहां पर जनवरी 1st को, और क्या ले लेंगे हम इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसे कौन सी वैल्यू कहा जाता है रिटर्न डाउन वैल्यू कहा जाता है, क्योंकि ये भी अभिलाषित। अब हमारी कॉस्ट उस प्लांट की जो हमने 10000 का भेजा था, आज 2002 में उसकी कॉस्ट जो रिटर्न डाउन वैल्यू रह गई है यूज करने के बाद वो 8100 रह गई, यानी 8100। इस साल फिर हमने यूज किया, तो इस साल जब हम यूज करेंगे तो अब हमारा यहाँ पर प्राइस क्या रहेगा, यहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी रहेगी, अब 8100 रहेगी। मैंने क्या कहा था डिमिनिशिंग मेथड में जो भी प्रोविजन किया जाता है डेप्रिसिएशन का, वो नेक्स्ट फर्स्ट ईयर हमारा कॉस्ट प्राइस पे और नेक्स्ट ईयर हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू पे, तो रिटर्न डाउन वैल्यू पे अब यहां पर इसका हमने निकाले डेप्रिसिएशन तो कितना आ गया 110 आ जाएगा, पूरे साल भर यूज किया है तो यहां पर इसका डेप्रिसिएशन आ गया 110 31st दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंट्री वही होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू प्लांट, तो प्लांट क्रेडिट करना है तो फिर कर दिया, रीजन क्या आ गया हमारा डेप्रिसिएशन। हम बिना अकाउंटिंग यानी कि हम बिना जेनेटिक के कोई भी लेजर प्रिपेयर नहीं कर रहे, ये बच्चों बेसिक है हमारा, रखना नहीं है हमें, हम क्यों डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं प्लांट में, ये रीजन मालूम होना चाहिए, क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग कौन सा लेजर प्रिपेयर कर रहे हैं प्लांट का विद प्रोविजन डेप्रिसिएशन, तो हमें उसकी अकाउंटिंग करना आना चाहिए। अगर जब अकाउंटिंग आपकी परफेक्ट है यानी जनरल बुक आपकी परफेक्ट है तो किसी भी लेजर बनाने में आपको तकलीफ नहीं होगी। ये आगे हमारा ऑफिस निकालना, हमें क्या करना है बैलेंसिंग करना है, जल्दी से आप बैलेंसिंग बताइए कितना आएगा 8100 और लास्ट की अंतिम तारीख को हमारा क्या आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। अब 8100 में से माइनस कर दें 0, 10 से यह बन गए तो 9 या 0 को 10 हो गए हमारे, यहाँ कितने आ जाएंगे 10 में से 8 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पर 2, 7 ये बचेंगे अपने, आप भी चेक कर लीजिए बच्चों 7290।
जीरो जीरो वन और नाइन टेन जीरो कैरी वन टेन इलेवन वन कैरी वन एट आई थिंक सो ठीक है। मैम कहाँ आगे 2000 थ्री टू बैलेंस ड्रॉ डाउन 7290 ये हमारे यहाँ पर। तो इस तरह से बच्चों हमारा डिफिनिशिंग मेथड का प्रोविजन डेफिनेशन का सीख लिया जाता है। बच्चों मैं पहले से क्लास में बता चुका हूं, मैं आज तो आपका मैंने रिवीजन क्लास ली है, इसमें रिवीजन क्लास में आपका मैंने डिफिनिशिंग मेथड दोबारा से सिखा दिया, तो मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। किस तरह से हम डिफिनिशिंग मेथड में डेफिनेशन चार्ज करते हैं ये सारा हो गया। तो आई रिपीट मैं अगेन रिपीट करता हूं कि डिफिनिशिंग मेथड में हमेशा ध्यान रखिए फर्स्ट ईयर हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है और नेक्स्ट ईयर हमेशा उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू पे किया जाता है। तो यहां पर भी इसका रिटर्न डाउन वैल्यू कितना रहेगा 7000, यानी कि अगर हम यहां पर इस कॉस्ट पे मशीन को हम प्लांट को बेचते हैं तो नो लॉस नो प्रॉफिट, इस कॉस्ट से कम पे बेचते हैं तो हमें लॉस होगा और इस कॉस्ट से ज्यादा बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा। अब इस कॉस्ट से कंपेयर नहीं करेंगे हम कॉस्ट प्राइस से कभी, क्योंकि हमने यूज कर लिया है। तो अब हम जब भी सेल्स इस प्लांट को सेल्स करेंगे तो इस कौन से प्राइस से करेंगे 2003 के जनवरी फर्स्ट को, कौन से प्राइस से करेंगे 2003 और जनवरी फर्स्ट के प्राइस से ही कर हम उसे कंपेयर करेंगे कि हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूं बच्चों आज हमने द्वारा से रिपीट कर लिया हमें डेफिनेशन का डिफिनिशिंग मेथड। नमस्कार, जय हिंद।